बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद मीडिया के मुतल्लिक आपको कुछ जो न्यू लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है उनसे जमाजात की तरफ से उससे अपडेट करूंगा। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया में कौन सा वीज़ा कितने का होता है यार, आपको पता है यार मेरे बताने से। बहरहाल जो न्यू भाई हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी देता जाऊंगा इसी के मुतल्लिक भी। बाकी जो मेरे भाई सऊदीया में हैं जी, उनको बखूबी इलम है वीज़ा कौन सा वीज़ा कितने का होता है। तो अभी भी व्हाट्सअप के ऊपर एक भाई का मैसेज आ चुका है जी, और बहरहाल बहुत सवाल पूछे जाते हैं। मैं व्हाट्सअप के ऊपर यार मसरूफियाँ चलती रहती हैं लाइफ में, तो बहुत कम रिप्लाई करता हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं कुछ सिस्टम लगाता हूँ आपके साथ यूट्यूब के ऊपर, जुमे वाले दिन एक घंटा लाइव बैठे करें, तो लाइव बैठ जाऊँगा ना फिर एक घंटा के लिए, और एक घंटे में गपशप खूब होती है, या जुमे रात की रात या जुमे वाले दिन जुमे के बाद। चलो वो आप मुझे एक मिनट में बता दीजिएगा यार किस टाइम बैठूँगा, ये एक मिनट मुझे कीजिएगा, उस टाइम फिर मैं कोशिश करूँगा बैठ जाऊँगा, एक घंटा दो घंटे लाइव गपशप चले करेगी। तो बहरहाल वीज़ों के मुतल्लिक बात कर लेते हैं। पहले आपको मैं मुख्तलिफ रेट्स बता दूँ अभी के जो चल रहे हैं ताज़ा तरीन, आप अपने इर्द गिर्द एजेंटों वगैरह से पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह यही रेट होंगे, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, इससे ज़ायद नहीं हो सकता। अगर हम बात करें साई खास आमल मंदिर छोटा महीना वाले जो जिनका इकामा 1000-1500 के अराउंड में लग जाता है, लेकिन वो भी कफील को भाई सालाना 4-5 हज़ार 6 हज़ार रियाल देते हैं, आपको पता है उनका वीज़ा इस वक्त 4-5-6, अगर कुछ ज़्यादा महंगा दे तो 7000 रियाल में है, ये तो 5-6 ये रेट चल रहा है आज़ाद वीज़े का, छोटा महीने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आम्बल के महीने की बात करें, आम्बल का महीना बड़े में आ जाता है, इसका वीज़ा भी थोड़ा महंगा हो जाता है और इसका इकामा भी 10000 के रियाल के अराउंड में बनता है। लेकिन आम्बल महीने वाले बंदे को ना तो शूटों की टेंशन होती है, फिर कहीं पकड़ लेंगे क्या कर रहा तू, क्योंकि बड़े महीने में आ जाता है। और उसके अलावा ये भाई काम जहाँ भी करते हैं ना, ये अपनी सैलरी या अपनी दिहाड़ी जो है ना छोटा महीने वालों से 20-30 रियाल ज़्यादा ही लेते हैं, ये क्लियर बात है। अगर उस वीज़े की बात करें तो वो 7 से 10 हज़ार के अराउंड में मिल जाता है हमें, 7-8-9-10 हज़ार इस अराउंड में मिल जाता है। कंपनीज़ के जो वीज़े होते हैं आपको पता है 1.5-2 लाख-2.5 लाख में आम मिलते हैं आप यहाँ पर, बाकी लगवाई वगैरह सब चीज़ें उन लोगों ने क्लियर करनी होती है, आपने अपना पासपोर्ट और डॉक्टरी क्लियर करनी होती है। उसके बाद अगर बात करें आज़ाद वीज़ा के मुतल्लिक, जिसके हम ऊपर बात करने वाले हैं, आज़ाद वीज़ा के मुतल्लिक अभी तक इन्फॉर्मेशन ये सामने आ रही है कि आज़ाद वीज़े का सऊदी अरेबिया में कोई भी किसी किस्म का तस्वर नहीं माना जाता है, यानी कि आज़ाद वीज़ा एक आम एजेंटों की तरफ से नाम दिया गया, इसको ऐसा कोई वीज़ा है ही नहीं है सऊदी अरेबिया में। आप मल्टीपल वीज़ा ले लें फिर, जो कि 7 से 8 लाख रियाल में बनेगा आपका, या उसके अलावा वीज़ा ले लें फिर, वो आप आज़ाद वीज़ा के तौर पर घूम सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे जितने भी वीज़े हैं आज़ाद वीज़े का कोई भी किसी किस्म का तसव्वुर नहीं है। हाँ ऐसा ज़रूर होता है कि हम साई खास अमल मंजरी वगैरह का या अमल वगैरह कोई भी वीज़ा लेकर चले जाते हैं अपने कफील से, कोई भी जैसा कि हो रखा है बहुत से भाई ऐसे रहते हैं, अपने कफील से आप सालाना या मंथली मुकर्रर कर लेते हैं कि मैंने आपको इतने देने हैं, उसके बाद एक साल के बाद आपको आप उसको उतने पैसे देते हैं और अपना आराम सुकून से सऊदी अरेबिया में रहते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है ना कफील के साथ आपका। और अगर आपके कफील आपको बाहर कहीं काम के ऊपर भेज रहा है तो उसको बोलते हैं जी अजीर, यानी कि बाहर एग्रीमेंट करता है वो, उसका पेपर एक लिख लेता है अपने पास भी रख लेता है और आपको भी दे देता है कि मैंने इस बंदे को बाहर कहीं काम के सिलसिले में छोड़ा है, तो आप बाहर काम करते रहते हैं। तो वैसे ही अगर बात करें आज़ाद वीज़ा से बोला जाता है भाई मुँह से, इसका कोई तसव्वुर नहीं है सऊदी अरेबिया में। आप अगर बाहर भी काम करते हैं अपने कफील के साथ एग्रीमेंट करके, उसके ऊपर आपको पता है मुश्किल बहुत सी होती हैं, आपको जब आप पकड़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, और उसके अलावा आपने मंथली या सालाना अपने कफील को भी देने होते हैं।